हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित जोशी और जो डायबिटीज़ की सीरीज है इस पर हमारा जो वीडियो है इस पर हम बात करेंगे डायबिटीज़ को कैसे रोका जा सकता है, बिना दवाइयों के डायबिटीज़ से आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो क्यों हुई है, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए डायबिटीज़ हो रही है आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से। तो यदि आप इन लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर दें तो आप वापस बैक जा सकते हैं। डायबिटीज़ का जो मेन रीज़न है वो है ओबेसिटी और अनहेल्दी फूड। कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, खा ज़्यादा रहे हैं और पचा कम रहे हैं। जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है जितनी कैलोरीज़ की, आप उतनी कैलोरीज लेंगे तो कभी भी आपकी डायबिटीज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले डायबिटीज़ का प्रिवेंशन क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको आपका जो फूड है उस पर काम करना पड़ेगा। आपका जो फूड है उसके अंदर आपकी जो कैलोरीज है उनको वॉच करना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो, आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, आप कितने समोसे खा रहे हैं, आप कितनी जलेबी खा रहे हैं, आप कितना फाफड़ा खा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको देखना पड़ेगा कि ये नहीं आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आपने ठूस लिया, क्योंकि फिर आपको दवाई लेनी पड़ सकती है। तो हेल्दी फूड्स, आपको कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा, प्रोटीन्स को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो मेन फूड है वो है रोटियाँ। तो मेरे पास कई मरीज आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ आप कितनी चपाती खाते हैं, तो कोई बोलता है मैं 5 खा रहा हूँ, कई बोलते हैं 6 चपाती खा रहे हैं। तो चपाती को आप कम करें, चावल को आप कम करें और उसके बदले में आप सलाद ऐड करें, फाइबर्स ऐड करें। जो आटा आप खा रहे हैं, गेहूँ जो आप खा रहे हैं उसको आप चेंज करें, उस गेहूँ के अंदर थोड़ा सा आप जिसको हम बोलते हैं मिक्स आटा खाएं, उसको उसमें आप थोड़ा सा ज्वार डालें, उसके अंदर आप थोड़ा सा रागी डालें, उसके अंदर आप थोड़ा सा चना डालें, जौ डालें। तो एक मिक्स आटा बनाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। हम एक वीडियो और पोस्ट करेंगे कि किस आटे की चपाती खाएं, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो उससे आपको ये पता चलेगा कौन सी मात्रा के अंदर आपको कितना कितना आइटम लेंगे, तो जिससे कि आप अपने डायबिटीज़ से बच सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो हो गया फूड चेंजेस, दूसरा है एक्सरसाइज। तो यदि आप रोज़ 30 से 60 मिनट तक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप दौड़ भी सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, जुम्बा भी जा सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपको पसंद है आप वो करें। सपोज कीजिए कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और मैं जिम जा रहा हूँ, तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मैं जिम वाले के पास जाऊँगा और उसको पैसे दे के आ जाऊँगा, 2-4 दिन जाऊँगा, फ़ोटो खिंचाऊँगा और वापस से आ जाऊँगा। तो एक्सरसाइज करें, लेकिन वो करें जो आपको पसंद है। यदि आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग करें। हो सके तो चेंजेस करते हैं एक्सरसाइज के अंदर, कि आप जिम जा रहे हैं, कभी एक्सरसाइज बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी आप रन कर रहे हैं, कभी आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, कभी आप पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल मतलब आपको रोज़ जो मशीन आपको 24 घंटे चलाती है उसको 1 घंटा देना पड़ेगा यदि आप इससे बचना चाहते हैं। तीसरा, लूज वेट। जितना आपका वजन है, सपोज कीजिए आपकी BMI ज़्यादा है, यदि आपका BMI ज़्यादा है और आप ओबेज हैं, तो आपको करीब 10-15% आपका जो बॉडी वेट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और बॉडी वेट में भी स्पेशली बॉडी फैट। तो आप फैट को रिड्यूस करें और मसल्स को बढ़ाएं। तो जितना ज़्यादा आप वेट रिड्यूस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए आप किसी कॉरपोरेट के अंदर जॉब कर रहे हैं और आपका सुबह 10 बजे से और 8 बजे तक का कंटिन्यूस वर्किंग है, आप कंटिन्यूस सिटिंग है, तो वहाँ से आपको कुछ इस तरह से प्लान करना पड़ेगा कि आप बार बार में उठते रहें, बार बार में चलते रहें। यदि आपको कॉल करनी तो आप कॉल करते समय फ़ोन पर बात करते रहें, चलते रहें, फ़ोन पे बात करते समय चलते रहें, कि मतलब इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि आपका बैठने का जॉब है तो वहाँ पे एक छोटी सी एक स्टूल बना के उसके ऊपर लिख सकते हैं, मतलब आप खड़ा रहने की कोशिश करें। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इसको रोकेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, डॉक्टर की कंसल्टेशन बचेगी, दवाइयों का पैसा बचेगा और जो साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं उनसे आप बचेंगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है।
इसलिए मेरे दोस्तों, यदि आपको डायबिटीज़ है या आपके परिवार वालों को किसी का डायबिटीज़ है, तो आप अच्छी एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल लें, सलाद खाएं, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे पास आएँ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, दवाइयाँ देंगे, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इनबॉक्स के अंदर डालें, हम कोशिश करेंगे उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you.